आप सामने देख रहे हो यहाँ बोर्ड आ गया टपकेश्वर महादेव, इस तरफ है तो हम इस तरफ जाने वाले हैं। और यहाँ बारिश भी कभी कभी आ सकती है, अभी मानसून चल रहा है इसलिए। अरे महादेव, अरे टपकेश्वर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं जाने वाला हूँ टपकेश्वर महादेव। यहाँ तक आने के लिए आपको उपलेटा से 36 किलोमीटर होगा। उपलेटा से गणो चौकड़ी चौक, वहाँ से तणसवा मेरवदर प्रासला होकर यहाँ आना पड़ता है। तो आपको मैं यहाँ महादेव जी का दर्शन करवाता हूँ। चलो दर्शन करने के लिए, आप सामने देख रहे हो यहाँ बोर्ड आ गया टपकेश्वर महादेव, इस तरफ है तो हम इस तरफ जाने वाले हैं। और यहाँ बारिश भी कभी कभी आ सकती है, अभी मानसून चल रहा है। फ्रेंड्स, मैं टपकेश्वर महादेव पहुंच गया हूँ। ये आप पीछे यहाँ देख रहे हो, ये जाने के लिए रास्ता है। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ है, वो आपको चढ़नी होगी, थोड़ी है। फ्रेंड्स, एक बार यहाँ का नज़ारा देख लो पूरा, कितना शानदार है। यहाँ सुकून मिलता आकर भी। ये बढ़ते हैं टपकेश्वर महादेव की ओर और वहाँ दर्शन करवाता हूँ आप सभी को। देख रहे हो सामने कुछ सीढ़ियाँ भी है यहाँ। फ्रेंड्स, हम वहाँ से आए थे, हमने वहाँ अपनी गाड़ी पार्क की थी। अब हम जाएंगे इस तरफ दर्शन करने के लिए। महादेव हर। आप यहाँ देख रहे हो कितनी बड़ी शिवलिंग है। ये पानी भी ऊपर से टिपक रहा है, आपको दिखाता हूँ। वो अपने आप ही टिपक रहा है, इसलिए यहाँ का महादेव का नाम है टपकेश्वर महादेव। आप देख रहे हो ये बड़ा सा पत्थर है, उसमें से पानी आ रहा है। फ्रेंड्स, आपने यहाँ टपकेश्वर महादेव जी का भी दर्शन किया। अभी आपने देखा कितनी बड़ी शिवलिंग है और नाग भी आपने देखा, नाग देवता भी कितने बड़े हैं। तो अभी हम ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ क्या है वो आपको वहाँ से आपका व्यू देख लो कैसा लगता है। फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कैसा व्यू है, दर्शन किए। और यहाँ ये प्राचीन मंदिर है, 100 साल से भी पुराना होगा। यहाँ जो बापू है उसने बताया था। और यह 12 मास यहाँ पानी महादेव जी पर टिपक रहा है, आपने देखा। अब यहाँ कुछ विजिटर भी आए, हम उससे बात भी कर।
અમે લોકો સુરતથી આવ્યા છીએ, ઢાંક ગામે અમારે એક મિત્રને પ્રોગ્રામ હતો ત્યાં આવ્યા છીએ, અને ત્યાંથી એ લોકો એમ કીધું કે અહીંયા સપ્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર પ્રાચીન જગ્યા છે એમ, અને બહુ જૂની અને જાણીતી જગ્યા છે, ડુંગર ઉપર જગ્યા, કુદરતી સૌંદર્ય ટાઈપની જગ્યા છે, એટલે એ લોકોએ અમે કીધું કે તમે ત્યાં એકવાર ભોળાનાથના દર્શન કરી આવો. તો અમે અમારા ગ્રુપ સાથે 10-12 જણા આવ્યા છીએ, તો અહીંયા આવીને અમને આનો નજારો બહુ સરસ લાગ્યો. લગભગ આ જગ્યા આ ટાઈપની તપકેશ્વર મહાદેવ મંદિર આટલા વર્ષ મારે 43 વર્ષની ઉંમર થઈ છે, એમાં હજુ સુધીમાં જોયું નથી, પણ આ અદ્ભુત નજારો અમને જોવા મળ્યો છે. કુદરતી સૌંદર્ય અને કુદરતી નેચરલ વાતાવરણમાં, અને મોર પણ અહીંયા આ જંગલ વિસ્તારમાં બહુ સારા છે, અને એનો ટહુકારો એટલે એની વાત જવા દો. પૂરા હિલ સ્ટેશન જૈસા લગતા હૈ. આપ એક બાર યહાં જરૂર આયેગા, ઓર ઉસને યે ભી બતાયા કે યે બહુત પુરાના મંદિર હૈ, યે સુરત સે યહાં તક દેખને કે લિયે આયે થે, તો ઉસકો ભી યે અચ્છા લગા, તો આપ ભી યહાં એક બાર જરૂર આયે. ફ્રેન્ડ્સ, મેને આપકો મહાદેવજી કા દર્શન કરવાયા, ટપકેશ્વર મહાદેવ કિતની બડી શિવલિંગ હૈ, કિતના પ્રાચીન મંદિર હૈ વો ભી બતાયા, યહાં કે વિઝિટર ઉસસે બાત ભી કી. આપકો યે વિડિયો અચ્છા લગા હો તો જરૂર લાઇક કીજિયેગા, ઓર કોમેન્ટ મેં હર હર મહાદેવ એક બાર જરૂર લિખના. ફ્રેન્ડ્સ, આપકો યે વિડિયો અચ્છા લગા હો તો લાઇક કીજિયે, શેર કીજિયે, ઓર આપ મેરી ચેનલ મેં નહીં હો તો સબસ્ક્રાઇબ કીજિયે. और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में और उसका आने के लिए आपको गूगल मैप की लिंक भी मिल जाएगी, तो आप उस लिंक से आप यहाँ तक आ सकते हो. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. अब मिलते हैं एक नई जगह नए लोकेशन पर, तब तक आप अपना और अपने परिवारों का ख्याल रखें. थैंक यू, तुम्हारा खूब खूब आभार.